हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों आप जो है एमएस वर्ड में टेबल में आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं तो आप उसको सेंटर अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है एमएस वर्ड को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट टैब में आप जो है टेबल को ऐड कीजिए। यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, मैं यहां पर इस तरीके से इसको टाइप किया हूं। अगर दोस्तों आपको जो है इस वाले कॉलम को जो है आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है, तो आप जो है इसका शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल ई प्रेस कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं ये टेबल जो है यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट हो गया है। इस तरीके से आप जो है इसको सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको और भी यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेआउट में आते हैं और आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है अलाइन सेंटर है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप इसको थोड़ा और ऊपर रखना चाहते हैं, अलाइन टॉप सेंटर, तो आप यहाँ पर इसको सेट कीजिए और यहाँ पर आप इसको जो है राइट लेफ्ट यहाँ पर इसको इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, आप जो है इस तरीके से एमएस वर्ड टेबल में जो टेक्स्ट होता है तो आप उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।